हाथरस में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कुछ लोगों ने बच्चा चोरी के आरोप में भीख मांगने वाली दो महिलाओं को पकड़ा और फिर जमकर पिटाई कर दी। आपको बता दें कि एक महिला गर्भवती थी, लेकिन फिर भी लोगों ने उसकी एक न सुनी और उसके साथ जमकर मारपीट की। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस दोनों महिलाओं को थाने ले आई। रोजे चल रहे इसलिए मांगने आए थे हम। अच्छा। हमें पता नहीं था कि वो बच्चा आएगा हमारे साथ है कि नहीं आया। रोटी भी मांगी हमने होटल से। हर एक लड़के ने आगे चोटी पकड़ के बहुत मारा, ले जाके घर में बंद कर दिया। हम सब लोगों ने मारा वहाँ पे हमें। अच्छा, क्या कहा, क्या कह रहे थे? वहीं जब इस बारे में पुलिस से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। तो महिलाएं हैं, पकड़ा गया है, पब्लिक ने पकड़ा है, उन पर आरोप है कि बच्चे को चुरा रही थी। पुलिस को सौंप दिया गया है, इसकी जांच कराई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लोगों को न्याय करने और सजा देने का हक किसने दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए हाथरस से सूरज मौर्य की रिपोर्ट।